दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो चैनल था वो रशियन द्वारा हैक कर लिया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये चैनल जो है मेरा हैक कर लिया था और हैक करने के बाद मेरे चैनल पे जो है वीडियो लाइव कर रहा था और वहाँ से पैसे कमा रहा था मेरे चैनल पे से, और लेकिन मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी हुई थी उन सबको कर दिया था इसने प्राइवेट। तो जहाँ की पूरी अब ये चीज़ थी, अब ये मेरे को पता कैसे चला दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मेरा चैनल हैक हुआ और कैसे मैंने उसको रिकवर किया। दोस्तों आपके साथ भी हो सकता है, और आपको क्या मेजर स्टेप लेने चाहिए, क्या स्टेप आपको ये उठाने चाहिए कि आपका चैनल हैक ना हो और आगे फ्यूचर में आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। दोस्तों ये देख सकते हैं कि कैसे मेरे चैनल पर ये लाइव वीडियो उसने करी थी। अब हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूँ कि मैं बैठा हुआ था सडनली, ऐसे मतलब बैठा हुआ था और बैठ के मैं अपने मोबाइल चला रहा था तो मैंने वहाँ पे जो है मेरे पे नोटिफिकेशन आया, और नोटिफिकेशन क्या आया कि मेरे चैनल पे वीडियो लाइव हो रही है। अब मैंने जब ये देखा खोल के, अब भाई मेरा तो पूरा कलेजा सूख गया कि कहाँ यार मेरा चैनल है। मैं आपको दिखाता हूँ चैनल मेरा कैसा था उस टाइम, तो मेरे जो थे 50,000 सब्सक्राइबर थे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 50,000 सब्सक्राइबर थे। कैसे कैसे करके मैं अपने पैसे कमा रहा था, मतलब कि $50 जो है हर महीने मेरे आ जाते थे, 2 महीने में मेरे $100 हो जाया करते थे। तो मेरा इतना मतलब कलेजा सूख गया भैया कि मैंने कैसे कैसे 50,000 सब्सक्राइबर किए और मेरा चैनल हैक हो गया। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो यहाँ पर हुआ क्या कि फिर मैंने जो है मोबाइल में रिकवरी करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जब मैंने रिकवर पर गया, मैंने लॉगिन करा गूगल पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो देखा, अब तो मेरा दिमाग ख़राब कि गूगल की जो ईमेल आईडी है, मैंने सोचा था कि ईमेल को रिकवर कर लेंगे तो गूगल भी रिकवर हो जाएगा। सबसे तो मेन बात है कि ईमेल को रिकवर करो, गूगल जो यूट्यूब है वो यूट्यूब चैनल अपने आप रिकवर होगा। तो यहाँ पे जो था ये नंबर जो है वो हैकर का पड़ा हुआ था, ये देख सकते हैं आप 77 लास्ट में था, और 77 मेरे पूरे घर में किसी का नहीं था, तो भाई और मेरा भी नहीं था कि जो मैंने डाला था, तो यहाँ 77 हैकर का था। अब यहाँ पे जो अल्टरनेट ईमेल आईडी होती है, जो रिकवरी ईमेल आईडी होती है, वो भी हैकर की डली हुई थी। मीन हैकर की ईमेल आईडी कुछ भी नहीं डली हुई थी, उसमें जो है लॉगिन इसी से था, लेकिन उसने जो रिकवरी के सारे सिस्टम थे वो मेरे बंद कर दिए। अब तो मेरा चैनल का एक्सेस जो था पूरी तरीके से मेरे से छिन गया, यानी कि कोई चारा नहीं था कि मेरा चैनल वापस आ जाए। अब मैंने क्या किया, तो दोस्तों मैंने कुछ वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद मुझे एक आदमी ने सजेस्ट किया, तो वो मैं अभी बताता हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैंने देखा तो मेरा चैनल जो है साइन आउट हो चुका था, ये मोबाइल था मेरा साइन आउट हो चुका था इसमें से पूरा, और जो है ये मेरा जो साइन आउट हुआ था लॉग आउट कर दिया था, लॉग आउट उसने तो अपना लॉग इन कर लिया था, मेरा तो लॉग आउट हो ही जाएगा मोबाइल से। तो यहाँ पर जो है वैसी इन्फॉर्मेशन मेरी दिखाई दे रही थी कि जो है मेरी ये चीज़ें हैं, और लास्ट चेंज जो था मेरा इतने को किया था। अब जो था भाई मैं क्या करूँ, तो दोस्तों मैंने YouTube पे कुछ वीडियो देखी, वहाँ पे मुझे सुझाया लोगों ने कि आप जो है ट्विटर की मदद लीजिए, ट्विटर पे जाके YouTube को ट्वीट कीजिए, और ट्वीट करने के बाद वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आप मेरा ये देख सकते हैं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप जाके इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो है ट्वीट किया कि साइबर पुलिस यूपी, आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट की, जैसे मैं यूपी का हूँ तो मैंने साइबर पुलिस यूपी करके डाला है, तो साइबर पुलिस जो होगी उस स्टेट की, उसको आप क्या करेंगे टैग मारेंगे, और टैग मारने के बाद अपनी कंडीशन बताएगी, माय यूट्यूब चैनल गॉट हैक्ड अबाउट 8 आवर एगो, मेरा 8 घंटे पहले जो है वो चैनल हैक हुआ है, एंड समवन हैज चेंज माय ऑल ऑफ माय डिटेल एंड यूज अनफेयरली। तो टीम यूट्यूब, मैंने यूट्यूब को जो है वो टैग मारा, प्लीज़ टेक अर्जेंट एक्शन ऑन इट एंड वेट फॉर रिप्लाई। तो यहाँ पर मेरे 2 काम हो गए कि मेरा हैक हुआ है चैनल, अगर उस पर कोई ऐसी घटना होती है जो मेरे लिए जो है इल्लीगल साबित होती है, तो वहाँ पे मैंने जो है साइबर पुलिस यूपी को पहले ही संज्ञान में यहाँ पे ट्वीट करके दे दिया, उसको संज्ञान में दे दिया कि मेरा चैनल हैक हो गया है। तो एक तो ये बात हो गई कि पुलिस की नज़रों में आपका पड़ गया, तो उससे आपका एक काम हो गया। अब दूसरा क्या था कि यूट्यूब से आपको क्या लेकर आना है, वापस लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने जो है उसको टैग किया, टैग करने के बाद जो है तुरंत उसने रिप्लाई किया क्या, थैंक्स फॉर टैग एंड माइंड फॉलोइंग द ट्विटर हैंडल एंड सो वी कैन शेयर द नेक्स्ट स्टेप ओवर डीएम। अब यहाँ पर डीएम क्या था यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डीएम क्या है। देखो यार, थोड़ी सी सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहना सीखो, ताकि आपको थोड़े थोड़े जो आजकल के जो स्वैग वाले वर्ड आ रहे हैं ना, तो उनसे थोड़ी सी वो है। तो डीएम जो है वो इसका मतलब है डायरेक्ट मेल, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेल की जगह उसने क्या लिखा, डीएम। तो ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी, जो मैंने पता किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मुझे डीएम करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पर तुरंत उसने मेरा ये चीज़ की। फिर क्या हुआ उसके बाद, यहाँ पे मुझे डीएम का मतलब तो समझ में नहीं आया था कि डीएम है क्या, तो डीएम मुझे समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया, रिप्लाई कर दिया दोबारा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि माय यूट्यूब यूट्यूब जो है वो अकाउंट और जीमेल अकाउंट जो है हैक हो गए, और जो यूट्यूब का लिंक है वो ये है, और ईमेल आईडी ये है, और मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके भेज दिए। तो यहाँ पे यूट्यूब जो है उसने क्या रिप्लाई दिया
तो YouTube ने जो मुझे फिर रिप्लाई दिया, रिप्लाई देने के बाद उसने कहा कि हम जो है आपको सेंडिंग कर रहे हैं मैसेज, नेक्स्ट स्टेप जो है वो डायरेक्ट मेल कर रहे हैं, आप YouTube के ट्वीट पे जाइए और डायरेक्ट उसको जो है मैसेज कीजिए। तो वहाँ पे जो है लुकआउट फॉर आवर मैसेज एंड ऑल्सो एट बेस्ट टू डिलीट दिस ट्वीट बिकॉज योर पर्सनल इन्फो इज शेयर पब्लिकली। उसने बोला कि ये जो आपने ट्वीट किया है ना, ये जो ऊपर, इसको आप डिलीट कीजिए ये सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो है आपकी पर्सनल इन्फो पड़ी है और इसका और गलत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, तो और आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ये वाला ट्वीट डिलीट किया। और आपको करना भी नहीं है कि ट्विटर पे जाके आप जो है अपनी ये जो है अपनी पर्सनल इन्फो और शेयर करने लगे, क्योंकि ट्विटर और जो हैकर हैं वो और एक्टिव हो जाते हैं। वो जो यूट्यूब की जो जो ट्विटर वाला जो हैंडल है, तो उस पर हैकर यही सब चीज़ों की निगाहें और जमा के रखते हैं कि भाई यहाँ पे जो आएगा वो हैक संभलवाने वाला ही बंदा आएगा, तो वहाँ पे और जानकारी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले उसने ये चीज़ मुझसे डिलीट करवाई। अब डिलीट करवाने के बाद उसने बोला कि डायरेक्ट मैसेज करो। तो यहाँ पे जब मैंने सर्च किया तो डायरेक्ट मैसेज था, तो डायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट मेल, ये दो मतलब होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको क्या किया, डायरेक्ट मेल किया। अब डायरेक्ट मेल जो है मैंने किया कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी एंड जीएम, तो क्या आर यू एबल टू फॉलो अस, तो हमें जो है फॉलो कर लीजिए एंड वी कैन रीच आउट ओवर डीएम। ऑल्सो द सिक्योरिटी पर्पज वी रिकमेंडेड डिलीट योर ट्वीट एज इट कंटेंट सेंसिटिव इन्फो जैसे कि ईमेल एड्रेस। तो ये सब चीज़ थी, मैंने डिलीट किया। डिलीट करने के बाद क्या हुआ वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे उसने जो है मेरे को मैसेज किया था, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। तो इसने मुझसे जो है वो क्या किया, अल्टरनेट जीमेल आईडी मांगा कि मुझे कोई और सा जीमेल आईडी दीजिए जिससे कि मैं आपसे जो है कनेक्ट रह सकूं और हैक अकाउंट को जो है वो आपको रिकवर करने में मदद कर सकूं। तो मैंने अपना कोई दूसरा अकाउंट जो है वो दूसरा जीमेल आईडी जो है वो यहाँ पे उसको दे दी कि आप मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पूछताछ के लिए। तो उसने जो है मैंने जो है उसको ईमेल कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ईमेल करने के बाद उसने मेरे को ये एक फॉर्म भेजा, ये फॉर्म भेजा कि जो ईमेल आईडी है उसको कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने उस फॉर्म को फिल किया। तो उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, आपसे जो है नॉर्मल आपकी पर्सनल इन्फो मांगेगा, वो पर्सनल इन्फो आप जो है उसको दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है उसको कंफर्म करने के लिए उसने फॉर्म भेजा, तो मैंने भर दिया। भरने के बाद जो है वो बोलता है कि हम जो है 72 घंटे के अंदर आपसे जो है उस ईमेल आईडी पे जो आपने ये वाली भेजी है इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, आप ये फॉर्म भरिए। तो मैंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद देखिए यहाँ पे जो इसने ये मैसेज किया है यही एक सेम है। तो यहाँ पे मैसेज किया, मैसेज करने के बाद जो है मैंने लिखा टीम आई हैव फिल्ड द फॉर्म यस्टरडे, मैंने कल जो है फॉर्म भर दिया है, प्लीज़ डू नीडफुल अर्जेंटली, ठीक है, ये लिख के भेजा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उस जो मैसेज वो बोल रहा था ना कि इस ईमेल आईडी पे जो है आपको मैसेज करेंगे, तो वहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया। तो मैं और डर गया कि भैया आप क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको जो है मैसेज किया कि प्लीज़ अपडेट द हैकर हैज़ मेड माई सम वीडियोज़ प्राइवेट एंड आई एम वरीड। तो मैंने ऐसे करके मैसेज भेजा कि उसको और संज्ञान में ले जल्दी से जल्दी, तो इसलिए मैंने ये भेजा। फिर उसके बाद तो YouTube ने जो है वो फॉर्म भरने के लिए जो कंफर्म ईमेल को कंफर्म करने के लिए जो मैसेज था, तो उसके लिए जो है उसने ये फॉर्म भेजा था। तो आपको दिखा दूँ कि वो फॉर्म क्या था, वो फॉर्म ये था। तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है ना कि दिस फॉर्म पे जो है ये क्लिक करना था, क्लिक करने के बाद वो फॉर्म खुल जाता, फॉर्म को भरकर जो है वो उसको भेजना है। तो यहाँ पे उसको भेजा, भेजने के बाद उसने जो है फिर रिप्लाई किया ये वाला कि ठीक है आप जो है गूगल अकाउंट जो अकाउंट रिकवरी पेज है उस पर जाइए और अपना जो है ईमेल आईडी और वगैरह वगैरह डाल के फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी आपका एक्सेस करने का अच्छा तरीका हो वो आप करके देखिए। तो वही सेम चीज़ थी कि भाई कि गूगल अकाउंट रिकवरी पेज पे जाओ, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो। पासवर्ड हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड हमें करने के बाद क्या मांगेगा कि आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर भैया उसने पहले ही बदल रखा है। ईमेल आईडी जो है अल्टरनेट ईमेल आईडी हमने डाल नहीं रखी है, या डाल रखी है तो वो भी उसने बदल रखी होगी। अब जब ये सब चीज़ें तो हमारी कोई है ही नहीं हमारे पास। तो मैंने लिखा कि भैया यहाँ पे जो है आपने ये जो भेजा है ना, तो इसकी मैंने एक वीडियो बना के यहाँ पे भेज दी। तो मैंने भैया एक वीडियो भेजी है कि जो मुझे फेसिंग जो इशू है वो जो आ रहा है उसको जो मैं फेस कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपकी वीडियो है। तो यहाँ पे उसने पूरी वीडियो देखी, देखने के बाद देखा कि भैया के ये अकाउंट जो है रिकवर नहीं कर पा रहा। तब उसने मेरी और जांच पड़ताल की कि क्या ये वाकई में जो है वो यूट्यूब का जो असली ऑनर है वो यूट्यूब का वही है कि नहीं है। तो उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे। तो यहाँ पे ये देखिए उसने जो है उसका रिप्लाई किया यहाँ पे, और रिप्लाई करने के बाद ये देखिए आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि हाउ आर यू सेट दिस ईमेल रिलेटेड टू योर चैनल अकाउंट, कि आपने जो ये ईमेल आईडी है जिससे हम मैसेज कर रहे हैं या जिससे आप अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके चैनल से कैसे रिलेट करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो चैनल है वो किसी ब्रांड अकाउंट से करंटली जो है वो एसोसिएट है क्या कि नहीं है। तो येस नो, अगर है तो भैया उसकी जो है ब्रांड अकाउंट की मेम्बरशिप और रोल चेंजेस जो है उसको बताइए, ठीक है। क्या आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो यूट्यूब चैनल से लिंक है,
ठीक है, अगर है तो उसकी जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए और एडसेंस अकाउंट आईडी बताइए और एसोसिएट विद योर चैनल, ठीक है। फिर यहाँ पे हमसे पूछा कि डू यू रिकॉग्नाइज द एडसेंस पब्लिकेशन आईडी, तो आप क्या जो आपकी एडसेंस आईडी है वो ये वाली है, क्या ये बिल्कुल एकदम सही है, क्या आप पहचान पा रहे हैं कि यही है उसकी ईमेल आईडी, ठीक है। फिर उसने पूछा कि आप इसमें से कोई ईमेल एड्रेस अपना पहचान पा रहे हैं कि जो आपने ईमेल एड्रेस जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मेरा दिमाग जो है वो खटका कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये ईमेल आईडी मेरी थी, ये ईमेल आईडी मेरी थी, लेकिन ये ईमेल आईडी मेरी नहीं थी, ये हैकर की ईमेल आईडी थी। अब हैकर की ईमेल आईडी थी, अब यहाँ पे मेरा जो है वो क्वेश्चन बना कि यहाँ पे मैं उसको रिप्लाई दूँ। अभी यहाँ पे और क्वेश्चन पूछे थे, पूछने के बाद उसने क्या किया था कि आप ये जो फ़ोन नंबर हैं जो डले हुए हैं उस पर ईमेल आईडी से कुछ ना कुछ करके रिलेट थे ये नंबर, ऐसे ही ये ईमेल आईडी भी कुछ ना कुछ करके रिलेट थे, तो उससे मतलब उसने पूरी पूरी एकदम नैनो जानकारी भी ली, नैनो नॉलेज भी ली थी एक तरीके से, तो सारी नॉलेज मेरे से ली। तो यहाँ पे ये देखिए कि ईमेल एड्रेस जो मेरा 77 एंड में डला हुआ था वो उसने यहाँ पे दिया कि क्या आप इस नंबर को पहचानते, कि नहीं ये वाला हैकर का है और ये ईमेल आईडी भी हैकर का है। तो यहाँ पे ये दो क्लू मिले, यहाँ पे फिर क्या किया इसका जवाब दिया। अब जवाब कैसे दिया देखो, यहाँ पे पूरा है कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ठीक है, सातवां यहाँ पे पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट जो है वो रिलेट करते हैं आपसे ही, ठीक है, तो वो नंबर दे देगा चार डिजिट, वो पहचानने के हाँ लास्ट की चार डिजिट हमारी है, ये डिवाइस पूछेगा कि डिवाइस है। तो यहाँ पे ये जो थी ये हैकर की डिवाइस थी, ये ओप्पो CPH4 करके कुछ थी, तो यहाँ पे ये जो थी ये हैकर की, तो ये तीसरा क्लू मेरे को मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है बिलिंग एड्रेस जो है आपका सिटी स्टेट है। अब ये आपको जवाब कैसे देने दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए वर्डपैड पे, ठीक है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे वर्डपैड पे। वर्डपैड पे जाने के बाद आप ये जो क्वेश्चन लिखे हुए ना, जैसे ये मान लीजिए डज द चैनल हैव एनी अदर यूजिंग ऑपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर लोकेशन, तो आप क्वेश्चन पूरा यही उतारेंगे, ठीक है, और उसके सामने अपना जवाब लिख देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे करके ये पूरा क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करेंगे यस, ठीक है, तो ऐसे करके लिख देंगे यस नो यस कि आप इसको पहचानते हैं कि नहीं, तो ये इस तरीके से आप इसके सारे जवाब देंगे एकदम क्लियरली। अगर आपका एकदम रियल है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना बिल्कुल घबराएं, ठीक है, आप एकदम पक्का पक्का और अच्छा अच्छा जो आपकी नॉलेज में है एकदम सच बातें वो सारी दीजिए, एक भी झूठी भी बात मत लिखिएगा कि भैया क्या ऐसी चीज़ें हैं या वैसी, तो YouTube पहचान जाएगा तुरंत, YouTube के पास आपकी पूरी एकदम कुंडली रखी हुई है भैया चैनल की। तो ये मत करिएगा कि आप बिल्कुल ही गलत जवाब दे दें, गलत जवाब देंगे तो फिर और कुछ और फॉर्म भरवाएगा आपसे, आप एकदम एक्यूरेट और सही सही जवाब देने की कोशिश करें, नहीं भी याद है तो थोड़ी सी जो है 19-20 का फर्क चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आया था ये वाला कि आपने लास्ट टाइम जो है अपना गूगल का पासवर्ड कब जो है वो चेंज किया था और क्या लोकेशन थी, अब ये चीज़ मेरे को नहीं आई, बाकी तो मेरी सही थी। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ गलत भरता हूँ तो मेरे से दोबारा क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मेरे को बेस्ट ऑफ नॉलेज मेरे में था कि भाई मैंने एक्यूरेट तो याद नहीं है कि मेरे को इतना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नॉट एक्यूरेटली बट अप्रॉक्स इस डेट में मैंने किया है या इतने महीने पहले किया था और इस लोकेशन से किया था, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका आंसर लिख दिया आगे, तो YouTube को इतना मालूम है कि हाँ भैया एक्यूरेट तो उसको भी याद नहीं होगा ये चीज़ें, तो यहाँ पे मेरा जो है तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब होने के बाद और हाँ दोस्तों तो आपको इस तरीके से लिखना है। एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो था मेरा, मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो है वो हैकर का ईमेल आईडी है और ये जो है ये हैकर का फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे इसका जवाब कैसे देना है, तो यहाँ पे लिखना है कि यस आई रिकॉग्नाइज दिस ईमेल एंड दिस ईमेल बट दिस इज द हैकर ईमेल, ठीक है, हैकर ईमेल आईडी एंड दिस वन द हैकर फोन नंबर, ऐसे करके आपको जवाब दे देना है, ठीक है, हैकर के कौन से हैं और मेरे कौन से हैं, ठीक है, और बिलिंग एड्रेस क्या है आपका, डिड यू सेल योर चैनल एनीवन, आपने किसी को सेल किया है चैनल पहले नहीं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें आपको जवाब में दे देनी है। फिर ठीक है आपको ये फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपसे कहेगा, आपको एक ईमेल एड्रेस देगा, ईमेल एड्रेस देने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा ईमेल एड्रेस क्या है, वो ईमेल एड्रेस देगा और कहेगा कि आप इस पे जो है वो मैसेज करिए मेरे को, तो ईमेल एड्रेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये ईमेल एड्रेस है support.in@google.com, यहाँ पे मैंने इसको मैसेज किया, ठीक है, ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी जो है इस पे आपको मैसेज करना है। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो है ना ये फॉर्म, ये जो आपने वर्डपैड पे जो है इसके पूरे आंसर लिखे वहाँ से कॉपी करके इसको रिप्लाई करना है, ठीक है, ये जो आया ना मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जो है थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे आएगा रिप्लाई, रिप्लाई जो आएगा ना उस पे जाके क्लिक करके और जो आपने वर्डप्रेस पे जो आपने ये क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं उसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप उसको भेज देंगे, इस तरीके से आपको जवाब देने, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको वो
ईमेल एड्रेस देगा, ईमेल एड्रेस पे देने के बाद आपको ये वाला मैसेज भेज देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल अकाउंट रिकवरी, यानी कि ये मास्टर दे रहा है आपको एक तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो गया ईमेल आईडी डाली, ईमेल आईडी डालने के बाद जो है मैंने पासवर्ड, तो मुझे याद नहीं था तो मैंने फॉरगेट किया पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड किया तो मेरा जो पहले वाला नंबर था ना फिर वो नज़र आने लगा, यानी कि पहले जो 77 नज़र आ रहा था वो 77 नज़र नहीं आया, 50 था वो नज़र आ गया मेरा कि हाँ भाई वहाँ पे। तो फिर मैंने जो है OTP भेजा, OTP भेजने के बाद तुरंत उसको जो है लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद उसका तुरंत पासवर्ड बदला, और पासवर्ड बदलने के बाद जो है मेरा अकाउंट जो है वो रिकवर हो गया। अब अकाउंट रिकवर होने के बाद जो है बहुत खुशी हुई, खुशी होने के बाद क्या हुआ कि जो अभी जो मेरा YouTube अकाउंट था उसमें उसने सारी वीडियो जो है प्राइवेट कर रखी थी, उस पूरे चैनल को उसने डाउनफॉल कर दिया एक तरीके से, यानी कि जो मेरे $50 आ रहे थे ना पर मंथ उसको जो है उसने घटा के $10 कर दिया। तो यहाँ पे मेरे चैनल की रेटिंग गिर गई, नहीं तो बहुत अच्छा चैनल चल रहा था। तो इस तरीके से उसने मेरे को नुकसान पहुँचाया एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों कि अगर आपका कोई चैनल हैक कर ले तो आप कैसे करेंगे। और दोस्तों ये जो मेरा चैनल हैक किया था वो एक रशियन हैकर था। आप दोस्तों आप पूछेंगे रशियन हैकर कैसे था, तो दोस्तों रशियन हैकर ऐसे था, मैं आपको बताऊं तो यहाँ आप ईमेल देख सकते हैं, ये एक रशियन नेम है विटालिक बुटेरिन, ठीक है। तो इस तरीके से था, और यहाँ पे कुछ एक लैंग्वेज जो है ना रशियन लैंग्वेज थी, उस टाइप का ईमेल भी आया था मेरे पे। तो वो ईमेल मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों। अब आपका क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो चीज़ सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप अपने जो जितने भी आपके एडसेंस अकाउंट है या वो है उसको एक डायरी में उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, यानी कि आपका जो चैनल है उसका जो URL लिंक है वो आप जो है उसको नोट कर लीजिए डायरी में, या कहीं पे एक चीज़ पे सेव करके रख लीजिए ताकि आपको कभी भी आपका हैक हो तो ये जो जानकारी YouTube द्वारा मांगी जाएगी वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। और आप अपना जो अकाउंट का पासवर्ड है, जो भी आपका YouTube के चैनल का पासवर्ड है, उसको हर 3 महीने के अंतराल पर आप चेंज करते रहें, 3 महीने के अंतराल पर आप जो है उसको चेंज करते रहें, ठीक है। और आपको बताऊँ आप अपने गूगल का 2-step वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों। मेरे हैक होने की सबसे बड़ी वजह यही थी, 2-step वेरिफिकेशन आप अपना ऑन कर लीजिएगा। 2-step वेरिफिकेशन कैसे, आपको YouTube पे बहुत जो है वो वीडियो मिल जाएंगे 2-step वेरिफिकेशन कैसे करें जीमेल का, तो उससे आपका जो है जीमेल जो है वो सिक्योर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो आपके पे अपना अकाउंट आईडी डालेगा, फॉरगेट पासवर्ड करेगा ना, तो रिकवरी के लिए जो पहले जाएगा आपके मोबाइल पे जाने के बाद फिर जाएगा आपके ईमेल पे, यानी कि दो बार उसको जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो ईमेल है वो आपका सुरक्षित हो जाता है। अब दोस्तों ये मेन बात आपको बताता हूँ, तो दोस्तों मैं बताऊँ कि मेरे जो चैनल पे आप जैसे देख सकते थे कि 50,000 जो है वो सब्सक्राइबर थे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आया था, ईमेल काय का आया था, यूट्यूब की जो है वो स्पॉन्सरशिप से कुछ पैसे मिलते हैं ना कि ब्रांड का आप स्पॉन्सरशिप करो, स्पॉन्सरशिप करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, तो उसका मेरे को मैसेज आया था। अब मैसेज आने के बाद जो है भाई वो आया था रशियन हैकर का था, तो उसमें जो है मैंने रशिया का जो मैंने भाई नए यूट्यूबर थे हमें तो कुछ मालूम नहीं कि कैसा हैक है क्या है, तो गलतियों से ही सीखता है आदमी। तो वहाँ पे जो है मैंने उसको अपनी डिटेल दी कि ठीक है मैं आपका ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्पॉन्सरशिप कौन सा था। तो दोस्तों आई एम सॉरी दोस्तों, वो ईमेल है नहीं अभी मेरे पे, मैंने देखा तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है स्पॉन्सरशिप के ऐड आएंगे 50,000 होते ही आपको जो है लालच भरे स्पॉन्सरशिप के ऐड आएंगे कि हम जो है आपको $500 देंगे, आप वीडियो पे आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, और वीडियो बनाने के लिए ये जो लिंक दिया गया है आप इस पर क्लिक कीजिए और हमारी सारी जो डिटेल है वो ऐड की जो आप एडवर्टाइज देंगे वो इस लिंक पर डली हुई है, तो उस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद जो है वो आपका ईमेल की जो एक्सेस है वो उसे मिल जाएगी, और मिलने के बाद जो है वो हैक कर लेगा। इस तरीके से मेरा हैक हुआ था, और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे आप सचेत रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप उसका ईमेल एड्रेस चेक कीजिएगा, वो ईमेल एड्रेस कैसा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको बचा जाना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों मैं बैठा हुआ ही हूँ, नया यूट्यूबर भी हूँ, और आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं भाई, उनके पास इतने कमेंट आ जाते हैं ना। हाँ खैर, आते तो मेरे पे भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं आपको दिखाऊँ जैसे। तो ये देखिए दोस्तों मेरा जो है, मैं आपको दिखाऊँ एनालिटिक्स, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो कमेंट, तो ये देखिए दोस्तों मेरे पे भी बहुत बहुत कमेंट आते हैं दोस्तों चीज़ों को पूछने के लिए, तो मैं भी खैर आपके कमेंट पढ़ता हूँ। तो उन कमेंट में आपका भी कमेंट रोजाना के हिसाब से मैं पढ़ता ही हूँ, 20-30 कमेंट आ जाते हैं रोज़ के, वो मैं पढ़ता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों थोड़ा सा उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपका काम बन जाए।
तो बस इतना ही चाहता हूँ कि भाई सबका जो है साथ और सबका विकास हो। ठीक है, तो फिर चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।